और ठेके स्थान पर एक हो जाता है। समाज प्लस एक और हमारा शब्द बन गया सामाजिक। तीसरा प्रत्यय हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द वे प्रत्यांश प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रकार से बालक पुल्लिंग शब्द है, इसे स्त्री प्रत्यय के साथ जोड़ने पर बालिका शब्द बनता है। जैसे बालक प्लस टाप, टाप का टै का लोप हो जाता है और पै का लोप हो जाता है और यहाँ पर आ शेष रहता है और शब्द बनता है बालिका। इसी प्रकार श्रीमत प्लस में गीप, गीप प्रत्यय में गे का लोप हो जाता है और पै का लोप हो जाता है और ई शेष रहता है और शब्द हमारा बनता है श्रीमत प्लस ई और शब्द जब हम बनाते हैं तो बनता है श्रीमती। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रत्यय का यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम आगे कृत प्रत्यय में जो आपके प्रत्यय हैं वो, तद्धित में जो प्रत्यय हैं वो, और स्त्री प्रत्यय में जो प्रत्यय हैं उनको आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।